हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शुभम कुमार और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग 2 के बारे में। जैसे कि एक बार पिछला हम सिलेबस देख लेते हैं, हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर कर लिया और हम अब सेकंड चैप्टर करने जा रहे थे और उसमें भी हमने एक टॉपिक कर लिया था, चैप्टर नंबर 2, सीवरेज सिस्टम। लास्ट टाइम बताया था सीवरेज सिस्टम हमारा 4 टाइप्स में डिवाइड किया था हमने। पहला था वेस्ट वाटर फ्लो, सीवर्स, सीवर अपर्टेंसीज, सीवेज पंपिंग एंड पंपिंग स्टेशंस। इसमें से हमने जो पहला टॉपिक था वेस्ट वाटर फ्लो रेट्स, इसको हमने कंप्लीट कर लिया था। आज का टॉपिक है हमारा सीवर्स, तो चलिए सीवर्स के बारे में पढ़ते हैं। सीवर्स को हमने यहाँ पर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला है टाइप ऑफ सीवर्स, दूसरा है मटेरियल ऑफ सीवर्स, तीसरा है जॉइंट्स इन सीवर्स एंड फोर्थ है फोर्सेस इन सीवर्स। सीवर्स के बारे में आगे पढ़ने से पहले हमें पहले पता होना चाहिए कि सीवर्स होते क्या हैं। बेसिकली सीवर इज ए मीडियम, इज ए कह सकते हैं कि चैनल है, एक जरिया है। किस चीज़ के लिए? हमारे घरों में से जो गंद या वेस्ट या सीवेज या वेस्ट वाटर जो होता है उसको हमारे घरों से जो एक डिस्पोज होने वाली जगह तक लेके जाता है, उस मीडियम को या ड्रेन को हम क्या बोलते हैं? सीवर। तो आज के टाइम में हम क्या करते हैं, जो मीडियम है हम क्या यूज़ करते हैं? पाइप्स, ओपन चैनल्स। पहले टाइम में क्या करते थे? ब्रिक, ब्रिक वर्क के बड़े बड़े चैनल्स होते हैं, जैसे कि हम नीचे ये डायग्राम, ये फोटोज़ देख सकते हैं। पहली फ़ोटो में ये एक बड़ी सी ब्रिक की चैनल है जो पहले टाइम पे हम यूज़ करते थे, ब्रिक से बनती थी। जो ये एक सीवर है, ये एक मेन सीवर है। उसके बाद सेकंड में हम देख सकते हैं एक विट्रीफाइड क्ले सीवर है, सीवर पाइप है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये एक पाइप है जिसके थ्रू हम ट्रांसफ़र करते हैं। फिर आगे देखें तो एक और पाइप है, बड़ी पाइप है, रिइंफोर्स्ड पाइप है। और फोर्थ में जो हमारे पास ड्राइंग है, ये एक यू चैनल है, ओपन रहता है, बारिश का पानी होता है। और देखा होगा आपने जब हम रोड पे जाते हैं या गलियों के साइड पे, ऐसे चैनल्स होते हैं, नॉर्मली ओपन होते हैं, पर अच्छी सिटी में चले जाओगे इनको ऊपर से बंद किया जाता है। इन सभी को, किसी भी टाइप के मीडियम को जिससे वेस्ट वाटर फ्लो कर रहा है, उसको बोलते हैं हम सीवर्स। सो पहला टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ सीवर्स। अब टाइप्स ऑफ सीवर, काफ़ी टाइप के सीवर होते हैं। किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? इनके साइज़ पे, इनका काम क्या है, राइट? तो पहले हम कुछ मेन 4 सीवर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला सीवर है हमारे पास लेटरल सीवर। लेटरल सीवर क्या करता है? हमारे घरों में से जो वेस्ट है वो कलेक्ट करता है, कलेक्ट करके हमारी जो गली है, स्ट्रीट है, वहाँ पर जो पाइप है वेस्ट वाटर की, उसके साथ जुड़ जाती है ये लेटरल सीवर। और वहाँ पर जितना भी वेस्ट होता है वो डिस्पोज कर देता है उस पाइप को, उस पोर्शन को पाइप के, क्या बोलते हैं हम? लेटरल सीवर। हाउस सीवर, हाउस सीवर क्या होते हैं? हमारे घरों में जितने भी सीवर होते हैं, जो कि हमारे वेस्ट वॉशिंग या फिर बोलिए बाथरूम में से पाइप्स होती हैं, जो वो कनेक्ट करती हैं जाके लेटरल सीवर के साथ, तो जितना भी वेस्ट वाटर होता है वो लेटरल सीवर तक पहुँचाती हैं, उस पोर्शन को हम बोलते हैं हाउस सीवर। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रांच सीवर, और इसको सब मेन सीवर भी बोलते हैं। जो मेन सीवर से पहले आती है उसको हम बोलते हैं सब मेन सीवर, जिसका नाम है ब्रांच सीवर। अब ब्रांच सीवर क्या होती है? अब लेटरल जो सीवर है वो जाके कनेक्ट हुई थी हमारी एक स्ट्रीट में, जो गली में हमारी सीवर है, उस सीवर को हम बोलते हैं ब्रांच सीवर। ब्रांच सीवर डेफिनेशन में देखेंगे तो काफ़ी लेटरल सीवर से कनेक्टेड होती है और 10-20 लेटरल सीवर से वेस्ट कलेक्ट करती है और आगे ट्रांसफ़र अगली पाइप में या सीवर में कर देती है। अब ये जो अगला मेन सीवर होता है, इसके साथ काफ़ी ब्रांच सीवर्स कनेक्टेड होती हैं। ये जो ब्रांच सीवर्स हैं ये फर्दर कनेक्ट होती है मेन सीवर से। ये मेन सीवर का डाया भी काफ़ी ज़्यादा होता है और ये फर्दर आगे जाके डिस्पोज ऑफ लोकेशन तक चले जाता है, जिसे हम बोलते हैं मेन सीवर। आगे है सेपरेट सीवर। सेपरेट सीवर के बारे में हमने पढ़ा था, सेपरेट सीवर सिस्टम, जैसे याद होगा फर्स्ट चैप्टर में। तो इसमें 2 टाइप के सीवर्स होते हैं, एक सैनिटरी सीवर जो वेस्ट वाटर को ट्रांसफ़र करता है, दूसरा स्टॉर्म सीवर जो कि बारिश के पानी को ट्रांसफ़र करता है।
फिर आता हमारा स्टॉर्म वाटर सीवर, जैसे अभी बताया मैंने। स्टॉर्म वाटर सीवर क्या होता है? जो बारिश के पानी को ट्रांसफ़र करता है। फिर आता है हमारे पास कंबाइंड सीवर। कंबाइंड सीवर में सैनिटरी और स्टॉर्म वाटर दोनों का पानी एक साथ ही जाता है। तो उस सीवर को, बड़ी वाली सीवर को, जिसमें दोनों का पानी जा रहा है या वेस्ट वाटर जा रहा है, तो उसको बोलते हैं हम कंबाइंड सीवर। अब मैंने बताया था जब हम फर्स्ट टाइम टॉपिक कर रहे थे ये, कि जब कंबाइंड सीवर में सपोज कर लो बहुत बारिश हुई तो पानी हो गया ओवरफ्लो, ओवरफ्लो होके आ जाता है स्ट्रीट्स में। तो इस चीज़ को फाइट करने के लिए हमने क्या किया, कंबाइंड सीवर की जो पाइप है उसके ऊपर एक और पाइप प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि ओवरफ्लो का जितना पानी होता है उस पाइप के थ्रू किसी अलग से जगह में डिस्पोज आ जाता है। वो जो पाइप थी उसको हम बोलते हैं रिलीफ सीवर, जैसे कि लास्ट टॉपिक की लास्ट ही पॉइंट है हमारा, रिलीफ सीवर। तो वो जो पाइप जो ओवरफ्लो के पानी को आगे डिस्पोज कर देती है उसको बोलते हैं रिलीफ सीवर। जैसे कि ये एक डायग्राम बनाया हमने, रेजिडेंट से पाइप्स जाती हैं लेटरल, फिर ब्रांच पाइप में गई, ब्रांच से फिर मेन में गई, वैसे ही कमर्शियल सेक्टर से लेटरल पाइप से गई, फिर ब्रांच पाइप में, ब्रांच से गई मेन में। अब थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सीवर्स की। तो टाइप्स ऑफ सीवर जैसे कि चार टाइप के थे। लेटरल सीवर, वो सीवर जो हमारा सीवेज कलेक्ट करता है घरों से और ब्रांच पाइप में ट्रांसफ़र कर देता है, उसको बोलते हैं लेटरल सीवर। हाउस सीवर, हाउस सीवर वो सीवर होता है जिससे हमारा बिल्डिंग का जितना भी सीवेज है वो कलेक्ट करके लेटरल सीवर तक पहुंचा देता है। ब्रांच सीवर, ब्रांच सीवर क्या होता है, जिसमें कुछ एरिया का सीवेज कलेक्ट करता है और उसको कलेक्ट किससे करता है, लेटरल सीवर से, और उसको मेन सीवर में ट्रांसफ़र कर देता है। मेन सीवर वो सीवर है जो सीवेज रिसीव करता है ब्रांच सीवर से और जाके सारा का सारा मटेरियल ट्रीटमेंट प्लांट या फिर डिस्पोज कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, मटेरियल ऑफ सीवर्स। तो मटेरियल ऑफ सीवर्स, हम सीवर जो हैं वो किस मटेरियल के बने हैं, तो मटेरियल से पहले शेप्स भी हमें पता होनी चाहिए। शेप्स भी काफ़ी होती हैं सीवर्स की, पर यहाँ पर हम जितने भी मटेरियल्स पढ़ेंगे वो सर्कुलर शेप में ही होंगी, क्योंकि ये एक बहुत ही काफ़ी यूज़ होने वाली और इजीली मैन्युफैक्चर होने वाली शेप है, और आज के टाइम पे सिर्फ सर्कुलर ही यूज़ होती है। पहले वक्त में डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स होती थी, उसका टॉपिक भी आगे कवर करेंगे, पर आज के लिए हम मटेरियल्स ऑफ सीवर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मटेरियल हमारे पास काफ़ी हैं, एस्बेस्टोस हैं, प्लेन रिनफोर्स सीमेंट कंक्रीट है, विट्रीफाइड क्ले है, ब्रिक है, कास्ट आयरन, स्टील, प्लास्टिक। इसमें से ज़्यादातर मटेरियल आपको पता होंगे, कुछ होंगे मटेरियल जो नहीं पता, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इसमें हमें इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज विद द हेल्प ऑफ पिक्चर हम रियलाइज़ करेंगे कि कैसा होती है पाइप। हमने देखी भी होगी पर हमें पता नहीं होता था उस वक्त की क्या चीज़ है। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो पहली है हमारे पास एस्बेस्टोस सीमेंट सीवर। तो एस्बेस्टोस सीमेंट सीवर, जैसे पता चल रहा है इसके नाम से ही, एक मटेरियल है एस्बेस्टोस, दूसरा मटेरियल है सीमेंट। एस्बेस्टोस एक पतली सी फाइबर्स होती हैं, पतली पतली फाइबर्स होती हैं, जिनका काम क्या होता है कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, काफ़ी स्ट्रांग होती हैं। अगर इसको खींच के देखोगे ये टूटेंगी नहीं। तो हम क्या करते हैं, जब सीमेंट की पेस्ट बनाते हैं तो ये ही फाइबर्स हम उस सीमेंट में डाल देते हैं। जब सीमेंट हार्ड हो जाता है तो उसको जब हम टेंशन में, जैसे कि हमें पता है कि सीमेंट की जो टेंशन लेने की कैपेसिटी है वो बहुत ही पुअर होती है, तो जैसे हम इसको खींच के देखेंगे तो इसकी टेंशन की कैपेसिटी अच्छी हो जाती है। किसके कारण? एस्बेस्टोस फाइबर के कारण। छोटी छोटी फाइबर्स होंगी पोर्शंस में जो इसको अलग दूर नहीं जाने देगी, पकड़ के रखेगी। तो इसी पाइप को जिसमें एस्बेस्टोस डाल के हम सीमेंट की एक सर्कुलर सी पाइप, जैसे कि नीचे देखें डायग्राम में हमें एस्बेस्टोस की शेप है और एक पाइप भी है, ये सर्कुलर पाइप बना देते हैं, उस पाइप को बोलते हैं हम एस्बेस्टोस सीमेंट पाइप्स। ठीक है, अब इसकी जो साइज़ होता है डायमीटर, ये लगभग 75 mm से लेकर 500 mm तक होता है। फीट्स में देख लें तो ये 3 इंच से लेकर लगभग 2.5-3 फीट तक चला जाएगा हमारा, और मीटर्स में इसकी लेंथ देखें तो ये 3 से लेकर लगभग 4 मीटर तक होती है, माने 10 फीट से लगभग 15 फीट तक का इसका लेंथ होता है। अब पढ़ते हैं एस्बेस्टोस सीमेंट सीवर के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में।
दोस्तों इसके एडवांटेज काफ़ी हैं कि ये इंटरनल प्रेशर को अच्छे से हैंडल करती है, वेट में भी हल्की होती है, इसको काट के ज्वाइन करना बड़ा ही आसान है, इसमें जो सॉल्ट्स होते हैं उसके खिलाफ ये काफ़ी रिजिस्ट करती है, करोड नहीं होती, अपना मटेरियल करोजन नहीं होता उससे, केमिकल से मिक्स नहीं होता। फिर इसकी स्मूथ होती है सरफेस, जिसके कारण पानी का फ्लो या फिर वेस्ट वाटर का फ्लो काफ़ी अच्छे से हो जाता है, चॉकिंग नहीं हो जाती उसकी वजह से। पर इन सब एडवांटेजेस के बावजूद भी ये बिल्कुल भी एक अच्छी पाइप नहीं है हमारी, अगर हमें ग्राउंड में डालनी है या फिर यूज़ करनी है लेटरल या मेन सीवर में या किसी भी सीवर में। वो कारण क्या है, सबसे पहले एस्बेस्टोस डालने के बावजूद भी ये काफ़ी ब्रिटल होती है, जैसे ही तुम इसको हल्के से भी छूटगी तुमसे तो ये टूट जाएगी। उसके बाद इसकी स्ट्रेंथ जो होती है बाहर से जब लोड पड़ता है तो उसके कारण इसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं होती, ये दब जाती है और टूट जाती है, क्रैक्स आ जाते हैं इसमें। अब हमें पता है जब हम अंडरग्राउंड कोई पाइप डाल रहे हैं तो उसके ऊपर सोयल का प्रेशर होता है, फिर उसके ऊपर गाड़ियाँ इंसान चलते हैं, तो सारा का सारा जितना भी एक्सटर्नल लोड है वो इस पाइप के ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगी क्रैक, क्रैक्स आ गए तो ये गई टूट और फेल हो जाएगी। अब उससे भी बड़ी बात कि सल्फाइड के खिलाफ ये इतनी करोजन में अच्छी नहीं है, जैसे ही इसमें सल्फाइड केमिकल डालोगे ये उसके साथ मिक्सअप हो जाएगी और करोजन होनी स्टार्ट हो जाएगी इसमें, और जैसे ही करोजन हुई हुई में हमें पता है फिर उसके बाद पाइप तो ख़त्म, तो कुछ पोर्शन से लीकेज हो जाएगी, क्रैक्स आ जाएंगे, तो पानी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। इन सभी डिसएडवांटेजेस के कारण हम इसको नहीं यूज़ करते अंडरग्राउंड के लिए, बस वर्टिकल, जैसे कि हमें रूफ से लेकर ग्राउंड तक पानी लाना है या केमिकल लाना है तो वहाँ यूज़ करो, या फिर किसी भी वर्टिकल लोकेशन में यहाँ पर हमें चाहिए तो वहाँ पर ये तुम यूज़ कर सकते हो। सेकंड है हमारे पास प्लेन और रिनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। प्लेन और रिनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट जो होता है, जैसे हमें पता है सिविल इंजीनियर है तो हमें पता होना चाहिए रिनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट क्या होता है, वो कंक्रीट का मिक्सचर में जब हम सरिया या रिनफोर्समेंट डाल दें किसी भी प्रकार की तो उसको रिनफोर्स सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं, जब रिनफोर्समेंट नहीं डालोगे तो उसको बोल देते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट। तो जैसे कि हम नीचे देख सकते हैं पाइप्स हैं हमारे पास जो बनी हुई हैं, ये रिनफोर्स्ड पाइप्स हैं, तो इसमें क्या सरिया डाला होता है, इसका साइज़ काफ़ी अच्छा होता है, 2400 mm तक चला जाता है रिनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का, 2.4 मीटर मान लीजिए। वहीं अगर प्लेन सीमेंट कंक्रीट देखेंगे तो उसमें इतनी अच्छी कैपेसिटी नहीं होती टेंशन को हैंडल करने के लिए, रिन्फोर्समेंट का काम है ना टेंशन प्रोवाइड करना, पर प्लेन सीमेंट कंक्रीट नहीं कर पाता, तो उसके लिए क्या होता है कि जो रेंज होती है प्लेन सीमेंट की वो थोड़ी छोटी रहती है, 3 इंच हो जाएगी, 3 से 2.5 फीट हो जाएगी, 80 mm से लेकर 450 mm कह लो, तो ये हमारा प्लेन रिन्फोर्स सीमेंट कंक्रीट। अब इनके पढ़ लेते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज। प्लेन और रिनफोर्स सीमेंट कंक्रीट एडवांटेज, एडवांटेज इनका जैसे मैंने बताया बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग होने के साथ एक्सटर्नली इंटरनली दोनों टाइप से ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे। इनकी स्ट्रेंथ बाहर से अगर इसमें सोयल ऊपर गाड़ियाँ चल रही हैं इंसान चल रहे हैं, अगर पाइप नीचे डाल दो तो ये वो सारा का सारा एक्सटर्नल प्रेशर ले लेगी, इंटरनली पानी अगर बाहर को ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है तो उसको भी ये हैंडल कर लेगी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो रिइंफोर्समेंट या सीमेंट की हम पाइप बना रहे हैं इसको हम किसी भी स्ट्रेंथ का बना सकते हैं, M25, M30, जैसे जैसे तुम उसका ग्रेड बढ़ाते जाओगे कंक्रीट का उसका साइज़ भी स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी। और थर्ड पॉइंट इसका ये है कि कास्ट इन सीटू, फील्ड में ही बना लो इसको, तो फील्ड में भी बना सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर तुम्हें बड़ा सीवर बनाना है काफ़ी बड़े साइज़ का, मान लो 2 मीटर का बनाना है, तो उसके लिए किसी भी और पाइप का इस्तेमाल करना काफ़ी कॉस्टली होगा, जबकि ये जो सीवर है हमारे पास रिनफोर्स इसका इस्तेमाल करना काफ़ी इकोनॉमिकल होता है एज़ कम्पेयर्ड। डिसएडवांटेज देख लें तो इसका एक ही डिसएडवांटेज है, वो है क्रोजन, अगर इसमें केमिकल्स या इंडस्ट्री का वेस्ट डाल दोगे तो इसमें हो जाएगी क्रोजन, और इसका जो सीमेंट कंक्रीट का मटेरियल है वो हो जाएगा करोड, उखड़ जाएगा, केमिकल से रिएक्ट कर जाएगा और उसके कारण स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, क्रैक्स आ जाएंगे, पानी बाहर चल जाएगा, परवियस हो जाएगा, ठीक है। तो इसके
लिए वैसे तो हम यही ज़्यादा यूज़ करते हैं सीवर, तो इसके लिए एक मटेरियल आता है हमारे पास विट्रीफाइड क्ले, जो कि आगे हम कर रहे हैं, अगला टॉपिक है। जब हम इस विट्रीफाइड क्ले को इसके बीच में डाल देते हैं, बीच की लेयर्स में डाल देते हैं, तो वो क्रोजन से लड़ने में काफ़ी अच्छा होता है, वो क्रोजन नहीं होने देगा अंदर। तो अंदर की लेयर में डाल दो विट्रीफाइड क्ले और बाहर से हम बना देंगे इसको रिनफोर्स सीमेंट सीवर। तो ये काफ़ी एक परफेक्ट सीवर बन जाता है हमारे पास, जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है विट्रीफाइड क्ले और स्टोनवेयर सीवर, तो इसी के बारे में मैंने पीछे बात की थी। तो विट्रीफाइड का मीनिंग होता है शाइन देना, शाइनी, ठीक है, ग्लास ग्लास टाइप, और क्ले का मतलब होता है क्ले, जो क्ले ग्लास की तरह दिखती है, शाइन करती है, कड़क होती है, उसको हम बोल देंगे विट्रीफाइड क्ले। जैसे कि नीचे देख सकते हो पाइप्स रखी हुई हैं, यही हैं विट्रीफाइड क्ले, शाइन से दिख रहा है कि ये ग्लास जैसी दिख रही हैं, बनी ये क्ले से हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ गया था विट्रीफाइड क्ले। काफ़ी हाई टेम्परेचर में क्ले को रखते हैं, तो क्ले को रखने के बाद वो एक शाइन सी आ जाती है ग्लास टाइप की, तो वो विट्रीफाइड क्ले पाइप बना देती है। तो प्लस इसमें एक और मटेरियल यूज़ होता है, वो है शेल। शेल जैसे देख रहे हैं ये साइड पे मटेरियल आपने देखा होगा, पतली पतली लेयर्स होती हैं, एक स्टोन होता है, इसमें काफ़ी लेयर्स होती हैं, छोटी छोटी, पतली पतली, लंबी लंबे और फ्लैट टाइप का होता है ये। तो ये शेल मटेरियल भी इसमें हम ऐड करते हैं, तभी जाके ये ऐसा बनता है। अब इस पाइप की जो डाया होता है वो कुछ खास बड़ा नहीं होता, 0.1 मीटर से लेकर 0.3 मीटर तक ही होता है, और इसकी लेंथ भी 1 मीटर से कम कम ही होती है। और नॉर्मली इसको हम घरों में यूज़ देखा होगा, कई बार ब्लैक भी कर दिया होता है इसका कलर, घरों में ही यूज़ करते हैं, तो बाहर ब्रांच सीवर, मेन सीवर में नहीं इतना यूज़ होता है ये। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखते हैं। जैसे कि बताया था आपको कि क्रोजन के खिलाफ ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, सल्फाइड्स के साथ स्पेशली, इरोजन नहीं होती, इसकी सरफेस बड़ी स्मूथ होती है, तो स्मूथ होने के कारण हमारी क्या कहते हैं कि विलोसिटी होती है, जो वेस्ट वाटर की, वो भी काफ़ी अच्छी बनी रहेगी, फ्लो अच्छा रहेगा। इम्परबियस होती है, इसमें पानी अंदर बाहर जाने की चांसेस बहुत रेयर होते हैं, बहुत ही कम, अबाउट 99। कंप्रेशन में ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, सबसे बड़ी बात सस्ती होती है और जल्द आसानी से मार्केट में मिल जाती है, और सस्ती और आसानी से मिलने वाली चीज़ तो ज़्यादा ही बिकती है। डिसएडवांटेज देख लेते हैं, टेंशन में वीक होती है, तो इसलिए इनको हम ब्रांच या मेन पाइप में नहीं यूज़ करते। कड़क होने के कारण ब्रिटल भी होती है, ब्रिटल होगी तो जैसे ही हाथ से छुटकी या फिर कोई इम्पैक्ट पड़ा इस पाइप पर, ये गई टूट। उसके बाद बल्की और हैवी होती है, ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत आती हैवी काफ़ी है, उठा के कैसे लेके जाएंगे। और हाउस के काम, नॉर्मली घरों में ही इसको यूज़ करते हैं, बाहर नहीं यूज़ कर पाते इसको। और हाँ, यूज़ करते हैं तो आरसीसी के अंदर इसको लेयर बना के हम यूज़ करते हैं, सो दैट कि वो क्रोड ना हो जाए आरसीसी। उसके बाद है ब्रिक सीवर्स। दोस्तों ये सीवर्स होते थे पहले टाइम पे, जब हमारे पास ये पाइप्स नहीं होती थी, स्टील नहीं था, आयरन की पाइप्स नहीं थी, तो तब जाके हम यूज़ करते थे ब्रिक सीवर। ये सर्कुलर नहीं, मोस्टली ओवल शेप में होता था, अंडे के आकार में, ऊपर से डाया बड़ा, नीचे से डाया छोटा, जैसे कि दिख रहा है नीचे पानी, जैसे कि पानी फ्लो कर रहा है। तो इसमें क्या करते थे हम, बाहर से इसको कर देते थे प्लास्टर, ताकि जो बाहर का पानी अंदर ना आए, अंदर का पानी बाहर ना जाए। तो उसके बाद हम क्या करते थे, इसके अंदर हम डाल देते थे टाइल्स, टाइल्स सरमाइका डाल देते थे, ताकि जो इसकी लाइनिंग जो है अंदर से काफ़ी स्मूथ हो, और जो वेस्ट वाटर है वो अच्छे से फ्लो करे, और पानी अच्छे से फ्लो करे, चॉकिंग ना हो, रुके ना कहीं, ठीक है। तो पर आजकल हम ये नहीं यूज़ करते, इसके ज़्यादा प्रेफर करते हैं इसके खिलाफ हम सीमेंट सीवर्स को, जो कि काफ़ी इजीली बनाना इन सीटू बन जाते हैं, और अवेलेबल भी ज़्यादा होते हैं, आसान भी होते हैं, स्ट्रेंथ अच्छी होती है, टूटते नहीं, इन पर भी काफ़ी एसी से इससे कहीं बेहतर है, ठीक है। तो ये भी एक टाइप थी जो हमें पढ़ना ज़रूरी था। उसके बाद आ जाती कास्ट आयरन। दोस्तों देखो नीचे, अगर हम फोटो में देखें, ये है हमारे पास कास्ट आयरन के सीवर्स। ये जो कास्ट आयरन देखी होगी आपने, काफ़ी यूज़ किया करते हैं इसको नॉर्मली गलियों में, या फिर कहीं हैवी मटेरियल या कहीं भी ज़्यादा लोड हो तो आयरन की ज़रूरत पड़ जाए यहाँ पर, तो वहाँ पर हमने देखी होंगी ये जॉइंट्स जैसे हैं, कि ये घरों में भी हमने देखे हुए हैं, कई बार यूज़ कर देते हैं घरों में ब्लैक कलर के, या फिर बाहर स्ट्रीट्स में यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इसकी जो रेंज होती है, डायामीटर होता है इन पाइप्स का, ये 750 mm तक होता है,
और इसकी जो लेंथ होती है वो 3 to 3.5 मीटर तक होगी लेंथ। और ये सबसे बड़ी बात, केमिकल से रिजिस्ट नहीं कर सकते, जो कि हर पाइप में दिक्कत आती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर से जैसे ब्लैक कलर का पेंट है तो ब्लैक कलर का पेंट लगा देते हैं, तो जो ये रजिस्ट कर दे उसको। तो इन सब एडवांटेजेस के बावजूद ये काफ़ी महंगी होती है, नॉर्मली नहीं हम यूज़ कर सकते कि हाँ भाई डाल दो घर में, डाल दो पूरी। नहीं, मुझे ये विट्रीफाइड नहीं डालनी घर में, मुझे ये डालनी है कास्ट आयरन की, तो वो बड़ा ही एक्सपेंसिव हो जाएगा और फ़ायदा भी नहीं है कुछ। अब किन कंडीशंस में इनको यूज़ करना चाहिए, वहाँ करो जहाँ पर भार लोड काफ़ी ज़्यादा हो, हैवी व्हीकल्स यूज़ करते हो, ठीक है। यहाँ पर इंटरनल प्रेशर, अंदर से पानी का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो, जैसे कि हमारे वाटर सप्लाई की पाइप होती है, वहाँ यूज़ कर लो, ठीक है। एक्सपेंसिव रोड, जब हम रोड बनाते हैं कई बार मल्टी 6 लेन रोड बना देते हैं, काफ़ी अच्छा हाईवे या फिर बहुत बढ़िया रोड बना दिया भाई, तो अब इसको मुझे तोड़ना नहीं है, तो इसके नीचे जो सीवर है वो भी मुझे ऐसी डालनी है जो टूटे ना, जिसमें रिपेयर का काम इतना ना हो। अगर रिपेयर हुई तो मुझे सड़क तोड़नी पड़ेगी और नीचे खुदाई करनी पड़ेगी और रोड ख़राब हो जाएगी, नुकसान होगा। टेम्परेचर वेरिएशन, जहाँ पर टेम्परेचर कम ज़्यादा वेरिएशन ज़्यादा हो वहाँ पर इसको यूज़ कर लो। वाइब्रेशन, जैसे ब्रिजेस में देखा होगा, जैसे गाड़ी जाती है ब्रिज हिलता है, रेलवे का होगा स्टील का ब्रिज तो वो भी हिलेगा, तो जहाँ पर वाइब्रेशन ज़्यादा हो तो वहाँ पर इसको यूज़ करो, जहाँ पर नमी हो सॉयल में वहाँ इसको यूज़ कर लो। ये कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमें इसको यूज़ करना होता है। फिर आ जाती है स्टील सीवर्स। दोस्तों देखो, जैसे कि इमेज दी हुई है लास्ट में, नीचे दिखे दिख रही है बड़ी बड़ी स्टील्स की पाइप्स हैं, सर्कुलर शेप में हैं। तो ये स्टील, जैसे हम आजकल देख रहे हैं स्टील बड़ा ही यूज़ होता है घरों में, स्टील यूज़ होता है ग्रिल बनाने के, कोई भी काम हो स्टील, बर्तन हो स्टील के, हर एक चीज़ स्टील की, ठीक है। स्टील की क्वालिटीज़ ही ऐसी हैं कि वो हर जगह यूज़ हो जाती है, वैसे ही सीवर पाइप्स में भी इसको यूज़ करते हैं हम। तो देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो पहले स्टील से बनती है, और सबसे बड़ी बात, स्टील होने के कारण पानी ना अंदर जाता है ना अंदर से बाहर जा सकता है, तो बिल्कुल ही इम्परवियस है, इससे ज़्यादा इम्परवियस पीछे वाली कोई भी सीवर नहीं थी, ठीक है। उसके बाद ये लाइट होती है, लाइट हमने हार्डली देखी होगी ऐसी लाइट, स्टील की पतली सी एक प्लेट ही है, उससे लाइट तो कुछ नहीं हमने अभी तक देखा सीवर पाइप में। फ्लेक्सिबल होती है, टर्न कर सकते हैं, टर्न आ गया मूव कर सकते हैं इसको, ठीक है। शॉक्स को ऑब्जर्व कर लेती है ये, वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करती है, और डायामीटर काफ़ी बड़ा बना सकते हैं इससे इसका हम, और करोजन भी नहीं होती इसमें। और सबसे बड़ी बात, इसको जोड़ना, जॉइंट्स नहीं होते इसमें, इसमें वेल्डिंग करनी पड़ती है, तो वेल्डिंग बड़ी आसानी से हो जाती है स्टील पे, और जॉइंट्स भी अच्छे बन जाते हैं। लीकेज के चांसेस होंगे तो वहीं से होंगे, अदरवाइज कोई लीकेज का चांस नहीं होता, तो अच्छी वेल्डिंग बहुत ज़रूरी है। और इन सब क्वालिटीज़ के कारण जो कि हमें लगता है कि बेस्ट है, फिर भी ये बहुत एक्सपेंसिव होती है, तो नॉर्मली हम नहीं यूज़ कर सकते कि घरों में या फिर स्मॉल सिटीज़ में कर लिया, तो ये बड़ी बड़ी सिटीज़ में जहाँ पर काफ़ी बजट अच्छा होगा वहीं पर हम यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। लास्ट में हमारे पास प्लास्टिक सीवर्स, प्लास्टिक के सीवर्स, घरों में देखा होगा आजकल हम पीवीसी पाइप्स, ब्रेक्स एडवर्टाइजमेंट में भी देखा पीवीसी पाइप्स यूज़ करो पानी के लिए, टैंकी हमारी जो स्टोरेज होती है, टैंक होता है घर में रखा स्टोरेज, उसमें से पाइप आती है, वो प्लास्टिक की, पहले स्टील की यूज़ करते थे, आजकल प्लास्टिक की यूज़ होनी हो गई है, तो पानी के काफ़ी काम के लिए होती है। पर सीवरेज के लिए भी ये अभी एक्सपेरिमेंटल है, सीवरेज के लिए हमने अभी इसको यूज़ करना नहीं समझा ठीक, फिर भी किसी कुछ देश हैं जैसे नीदरलैंड्स हैं वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। फिर इनकी एडवांटेज ये है कि इनकी जो लेंथ होती है वो काफ़ी बड़ी बना सकते हैं हम, लंबी लंबी लेंथ्स की पाइप्स बन सकती हैं, और ये करोजन से रेजिस्टेंट होती हैं। इनके बावजूद ये टेम्परेचर हाई कर दें तो क्या कहते हैं, ये पिघल सी जाएंगी, थोड़ी डक्टाइल सी हो जाएंगी, जैसे ही बाहर डालोगे ये पिचक जाएगी, तो ये एक डिसएडवांटेज होगा इसका। उसके बाद हैवी मटेरियल डालोगे तब भी ये फेलियर होने के चांसेस है, तो मतलब अभी एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में है, पर आने वाले टाइम में इसका काफ़ी यूज़ होने वाला है, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों, होप आपको अच्छा लगा वो लेक्चर, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, डाउट्स हो तो आप ज़रूर पूछिए क्लास में। थैंक यू यू ऑल, एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ।